मिस इंडिया बनने के बाद भी फिल्मों में कमाल नहीं दिखा पाई ये हीरोइन। 16 की उम्र में हुआ प्यार, लेकिन मिस इंडिया रह चुकी सेलिना जेटली 24 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगी। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद सेलिना ने बॉलीवुड में एंट्री जरूर की, लेकिन कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। 2001 में सेलिना ने मिस इंडिया का ताज जीता था तो मिस यूनिवर्स के फाइनल में भी जगह बनाई थी। फिर 2003 में उन्होंने जानशी से फिल्मों में कदम रखा। बीबीसी के मुताबिक मीडिया में अपनी छवि के उलट सेलिना खुद को बहुत साधारण घरेलू लड़की बताती हैं। खाना पकाने का उन्हें बेहद शौक है। एक इंटरव्यू में सेलिना ने बताया था, जब मैं 16 साल की थी तब मुझे एक आदमी से प्यार हो गया। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। मेरे दोस्त रिश्तेदार इस रिश्ते से खुश नहीं थे, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैं बिना बताए उसके घर पहुंच गई। वहां मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा। इसके बाद मेरा दिल टूट गया, मैं सदमे में थी। सेलिना कहती है कि बाद मुझे समझ आया कि ये सबकी अपनी ये चुनने का हक है कि वे किसके साथ रहे। मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा था, मुझे माफ करना, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। उसकी बात मेरे दिल पर लगी। इसके बाद मैं कई साल तक LGBT एक्टिविस्ट रही थी। UN ने मुझे इसी काम का गुडविल एम्बेसडर भी बनाया था। बात करें सेलिना के करियर की तो वे हनो एंट्री, गोलमाल, टॉम डिक और हैरी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2011 में बिजनेसमैन पीटर हॉग से शादी कर ली थी। सेलिना ने कहा, पीटर और उनकी मुलाकात पहली बार साल दुबई में हुई थी। सेलिना उस वक्त दुबई में भारतीय फैशन ब्रांड के स्टोर को लॉन्च करने गई थी। यह लव एट फर्स्ट साइट था। अगस्त साल 2010 में वे मेरे माता पिता से मिलने आए। उसी दिन हम लोगों की सगाई हो गई थी। साल 2012 में उन्होंने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम विराज और विंस्टन है। इसके बाद साल 2017 में दोबारा माँ बनी और फिर से उन्हें जुड़वां बच्चे हुए। वह जल्द ही ए ट्रिब्यूट टू रितु पर्णो घोष सीजन्स ग्रीटिंग्स में नजर आने वाली है। फिल्म में उनके साथ जानी मानी वरिष्ठ अदाकारा ललित दुबे और नए कलाकार अजहर खान भी हैं।